आज की क्लास में हम लोग बेबी स्टेप और जायंट स्टेप नाम से एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये हैकर रैंक पे मैथमेटिक्स सेक्शन की प्रॉब्लम है। आइए इस प्रॉब्लम को रीड आउट करते हैं। यू आर स्टैंडिंग एट पॉइंट 0 0 ऑन एन इनफाइनाइट प्लेन। इन वन स्टेप यू कैन मूव फ्रॉम सम पॉइंट एक्स एफ वाई एफ टू एनी अदर पॉइंट एक्स टी वाई टी एज लॉन्ग एज द यूक्लिडियन डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज आइदर ए और बी। इन अदर वर्ड्स Each step you take must be exactly A or B in length। इसका मतलब जो आप स्टेप ले रहे हैं उसकी जो लेंथ है वो ए या बी ही होनी चाहिए, इसके अलावा कोई लेंथ नहीं होनी चाहिए। और ये क्लियर है कि हम स्टार्ट कर रहे हैं ओरिजिन मतलब कि 0 0 पॉइंट से। किसी भी पॉइंट तक हम पहुंचते हैं और उससे आप किसी दूसरे पॉइंट पर पहुंचते हैं तो उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो ए या बी होनी चाहिए, तभी हम वो स्टेप ले सकते हैं। सो यू आर गिवन क्यू क्वेरीज इन द फॉर्म ऑफ ए बी एंड डी। फॉर ईच क्वेरी प्रिंट द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स इट टेक्स टू गेट फ्रॉम 0 0 टू पॉइंट डी 0 ऑन अ न्यू लाइन। सो इस प्रॉब्लम को पहले समझते हैं। ये प्रॉब्लम ये कह रहा है कि हमारे पास एक इस तरह से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हम मान लें और इसमें हम 0 0 पॉइंट पे स्टार्टिंग में हैं और हमें कहीं D0 पॉइंट पे पहुंचना है। तो D0 जो पॉइंट होगा वो एक्स एक्सिस का पॉइंट होगा, यहाँ पे हमें पहुंचना है और जो स्टेप्स हम ले सकते हैं वो ए और बी का स्टेप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने हमसे ये कहा गया कि मुझे 3, 4 और 11 इनपुट में गिवन है जहाँ पे ए का मतलब है 3, बी का मतलब है 4 और 11 का मतलब है डी। तो मुझे 11, 0 पे पहुंचना है। कंस्ट्रेंट्स को देखते हैं। कंस्ट्रेंट ये कह रहा है कि ए इज लेस देन बी। इसका मतलब है कि जो ए स्टेप है वो बी स्टेप से छोटा होगा। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम को जो हम सॉल्व कर रहे होंगे तो बी को प्रायोरिटी दी जाएगी स्टेप्स में, मतलब कि बी बड़े बड़े स्टेप्स हैं और ए जो है वो छोटा छोटा स्टेप है। तो हमने क्या करना है कि जैसे अगर ये एग्जाम्पल गिवन है तो हम एक काम कर सकते हैं कि 0 0 से बी स्टेप्स हम अगर आगे चलें तो बी स्टेप अगर आगे चलें आप मतलब कि 4 स्टेप अगर आप आगे चले जाएं और इसी तरह से एक और 4 स्टेप अगर आप आगे चले जाएं और उसके बाद फिर आप 3 स्टेप वापस आ जाएं इस पर डी पे, तो इसका मतलब है कि 3 स्टेप में आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो इसका मीनिंग क्या है कि जब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे तो ये किस तरह का एक ट्रायंगल बनेगा जो मूवमेंट इसका होगा। तो जो लाइंस हैं वो लाइंस डिफरेंट हो सकती हैं जो हम ट्रैवर्स कर रहे हैं उसमें। अब इसके जो एग्जांपल्स हैं उस एग्जांपल्स के हिसाब से हम इस प्रॉब्लम को फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे पहला एग्जाम्पल ये कहा गया है कि 2 3 1, तो इसका मीनिंग सिंपल सा ये है कि हमारे पास जो इनपुट पॉइंट्स हैं ये 0 है और 0 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और जो 2 3 1 का ये मीनिंग है कि ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है और जो पहुंचना है जहाँ पे वो हमारा 1 है। तो 1 का मतलब क्या है कि ये 1, 0 है, इस पॉइंट पे हमें पहुंचना है। तो अगर यहाँ पे 1 पॉइंट पे हमें पहुँचना है तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि जो हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे वो स्टेप लेने पड़ेंगे या तो पहले बी एंड देन ए या फिर पहले ए देन बी। तो मान लीजिए कि हम बी स्टेप आगे चले जाते हैं मतलब है कि 3 और उसके बाद जहाँ पे भी आप पहुँचते हैं वहाँ से 2 स्टेप अगर आप पीछे आ जाएं तो 2 स्टेप में आप पहुँच जाएंगे 1 0 पे। तो इस केस में 2 स्टेप्स हमारे लग रहे हैं। जो इसका एक और टेस्ट केस है, देखिए आपको 1 2 हमें पॉइंट गिवन है या ए और बी की जो वैल्यू है वो 1 गिवन है और 2 गिवन है और जहां पहुंचना है हमें वो है 0 0 पे। तो D0 का मतलब 0 0 पे। तो आप ऑलरेडी 0 0 पे हैं और आपको 0 0 पे ही पहुंचना है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें 0 स्टेप्स लगेंगे और आप इस लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। इस प्रॉब्लम को लगभग हमने समझ लिया है इसके टेस्ट केसेस के हिसाब से। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस देखनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल
सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अगर डी की वैल्यू जीरो है तो हम जीरो स्टेप में ही जो है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। अगर मान लीजिए कि जो डी की वैल्यू है वो ए के इक्वल है या बी के इक्वल है, तो आप एक ही स्टेप में पहुंच जाएंगे। ये ऑब्वियस है कि अगर जिस लोकेशन पे आपको पहुंचना है डी जीरो पे, और ए की वैल्यू अगर है तो जीरो, यहाँ से आप ए स्टेप लेके यहाँ पहुंच सकते हैं, और अगर ये बी के इक्वल है तो आप बी स्टेप लेके यहाँ पे पहुंच सकते हैं। तो इस दोनों केस में एक ही स्टेप लगेगा और आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि जो डी की वैल्यू है वो दैट इज ग्रेटर देन 2 × a, मतलब कि ट्वाइस से इसके ज़्यादा है, तो उस केस में आपको दो स्टेप लगेंगे। और इसी तरह से सॉरी एक मिनट, इनफैक्ट डी की जो वैल्यू हमारी है अगर वो, सबसे पहले हम बी के हिसाब से देख लेते हैं, तो डी की जो वैल्यू है वो 2 × b से अगर वो छोटा है तो दो स्टेप में हम इसमें पहुंच जाएंगे, और इसी तरह से जो डी की वैल्यू है वो 2 × a से अगर छोटा है तो भी हम दो ही स्टेप में पहुंच जाएंगे। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कि अगर ऐसी कंडीशन होगी तो एक हमारा ट्रायंगल बनेगा इस तरह का, मान लीजिए कि हमारा ये डेस्टिनेशन पॉइंट है और ये डी जीरो को रिप्रेजेंट करता है, और जीरो जीरो से हमने अपना स्टार्ट किया। तो अगर हमने ये माना कि ये जो डी है दैट इज लेस देन 2 × a, मान लीजिए कि 2 × b मान लेते पहले, तो आप बी स्टेप इधर से लेंगे और बी स्टेप इधर से लेंगे और आप डी पे पहुंच जाएंगे। तो जो बी प्लस बी की जो वैल्यू है, मतलब कि ये जो 2b है, अगर ये डी से छोटा है तो इसका मतलब है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा होगा यहाँ पे, और इस आइसोसेलेस ट्रायंगल के कारण दो स्टेप में आप पहुंच जाएंगे जीरो जीरो से डी जीरो पे। सिमिलर सी बात ए के लिए भी होती है कि हम अगर आप ए स्टेप इधर की तरफ ले लें और ए स्टेप इधर की तरफ ले लें तो आप डी जीरो पे पहुंच जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने फिर से यही बात कही कि अगर ए डी इज लेस देन ए प्लस ए तो भी आप दो ही स्टेप में यहाँ पे पहुंच जाएंगे। नाउ इसमें हमने ये कंडीशंस तो बना लिया है, चार कंडीशंस इनफैक्ट हमारी अभी तक बन चुकी हैं। अगर हम समराइज करें तो पहली कंडीशन हमारी ये कि अगर डी जीरो है तो जीरो स्टेप में पहुंच जाएंगे, अगर डी की वैल्यू बी या ए के इक्वल है तो भी हम वन स्टेप में पहुंच जाएंगे डी पे, और अगर डी की वैल्यू लेस देन 2a है या लेस देन 2b है उस केस में आप दो स्टेप में पहुंच जाएंगे डेस्टिनेशन पे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर 2a या 2b होता है, तो उस केस में जो नंबर ऑफ स्टेप्स लेने होंगे वो हमें स्ट्रेट लाइन में लेना होगा, या फिर स्ट्रेट लाइन नहीं भी है तो हम दूसरे तरीके से इसको सोच सकते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे डी की वैल्यू 11 गिवन है और 3 और 4 स्टेप्स हम अगर ले सकते थे, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमने सबसे पहले 4 स्टेप्स एक डायरेक्शन में आगे बढ़ाया, देन 4 स्टेप और एक डायरेक्शन में बढ़ाया, एंड देन उसके बाद फिर 3 स्टेप लेके हम यहाँ पे पहुंच गए। या फिर अगर हम इस स्ट्रेट लाइन में ना होके और दूसरे तरीके से भी 3 माने 4 स्टेप्स एंड देन 4 स्टेप्स एंड देन 3 स्टेप्स ऐसे पहुंच जाए तो भी ये चलेगा। तो ये वाला जो कंडीशन है वो इस तब पॉसिबल है जबकि हमने माना है कि ये जो 11 है वो इस तरह से हो जा रहा है कि बी प्लस ए हो जा रहा है, बट अगर ये एग्जैक्टली इसके इक्वल नहीं होगा तो उस केस में ये दूसरे तरह का पाथ हमारा बनेगा, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे 3 ही लगेंगे। तो ये जो तीसरा वाला पार्ट है इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि डी हमारा ऑलरेडी गिवन है और बी स्टेप, चूंकि बी बड़ा है इसलिए बड़े बड़े स्टेप्स पहले ले लेते हैं, तो उस केस में हम डी बाई बी स्टेप्स ले लेते हैं, और डी बाई बी की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे इस वाले पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, सो 11/4 आएगा। इंटीजर बाई इंटीजर डिविजन हमें ये 2 मिलेगा, लेकिन हम 2 स्टेप में तो नहीं पहुंच रहे हैं, हम 3 स्टेप में पहुंच रहे हैं। तो ऐसा इसलिए हुआ, ये जो आपने डी बाई बी किया है तो डी जो है वो बी को पूरी तरह से डिवाइड नहीं करता है, तो चूंकि ये डी को बी से बी माने बी डी को पूरी तरह से डिवाइड नहीं करता है, तो उस केस में आप जो टोटल स्टेप्स आपको मिले थे उससे +1 कर दीजिए, ये आपका आंसर होगा। और अगर ये इक्वल टू जीरो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो डी की वैल्यू है वो हमारी 12 होती और बी की वैल्यू हमारी 4 होती तो एग्जैक्टली 3 स्टेप्स लगते, सो डी बाई बी की वैल्यू 3 आती,
और 3 स्टेप में हम पहुंच जाते हैं, उस केस में +1 करने की जरूरत नहीं थी। तो ये हमारी पांचवी कंडीशन है जिसमें कि डी मॉडुलस बी अगर 0 है तो इसका मतलब है कि जो आपने डी बाई बी फाइंड किया था वही आपका आंसर हो जाएगा। फाइन, तो आइए इसको हम कोड करके देखते हैं। तो ये मेरे पास सॉल्व फंक्शन है और इस सॉल्व फंक्शन में ए बी और डी की वैल्यू हमारी गिवन है, और इसमें हमने ये देखा कि अगर डी की वैल्यू 0 है तो रिटर्न 0 कर दिया, डी की वैल्यू बी या ए के इक्वल है तो हमने रिटर्न 1 कर दिया। चौथी कंडीशन हमारी ये थी कि अगर डी इज लेस देन 2 × b तो हमने देखा था कि 2 स्टेप में पहुंच सकते हैं। सिमिलरली अगर डी इज लेस देन 2 × a तो भी हम 2 स्टेप में पहुंच सकते हैं। फिर इसके बाद हमने एक एक्स इक्वल्स टू डी बाई बी फाइंड किया। ये चारों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो उस केस में हम ये कर रहे हैं कि हमने एक्स इक्वल्स टू डी बाई बी फाइंड किया। उसके बाद फिर अगर डी मॉडुलस बी 0 नहीं है तो एक स्टेप बढ़ा दिया, और अगर डी इक्वल्स डी मॉडुलस बी 0 है तो हमने डी बाई बी स्टेप्स ही रहने दिए और उसी को रिटर्न कर दिया। तो ये मेरा बहुत ही छोटा सा सोल्यूशन है, आइए इसको रन करके देखते हैं। यू कैन सी दी सैम्पल टेस्ट केस हैज गॉट पास्ड, वी आर नाउ सबमिटिंग दिस प्रॉब्लम एंड ऑल अदर टेस्ट केसेस हैव आल्सो गॉट पास्ड। सो ये बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम थी, बेबी स्टेप्स एंड जायंट स्टेप्स, और हमने इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। एक सिंपल इंस्टिंक्ट को हमने यूज किया एंड उसी ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें दे दिया। सो ये मैथमेटिक्स सेक्शन की प्रॉब्लम है हैकर रैंक पे, एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वी विल मीट अगेन विद सम अदर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दी प्रॉब्लम सॉल्विंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।